सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम पढ़ रहे थे विश्वामित्र जी की घनघोर तपस्या से इंद्रादि देवों का चिंतित होना और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए रंभा का सहायता लेना और रंभा और इंद्र के दुष्ट इरादे को जान करके महर्षि विश्वामित्र जी का उनको शाप देना और स्वयं भी जो उन्होंने क्रोध किया उसके प्रति भी उनको पश्चाताप होना, ये हम पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही रंभा को शैली होने का, एक शिला बनने का शाप दिया, तो ये सुन करके माने उनके क्रोध को देख करके इंद्रादि देव तो अपने लोक को चले गए और वो शैली बन गई, शिला बन गई। इस पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पीछे वाले से। रंभा को तो इंद्र ने भेजा था, उसका अपना तो आने का कोई प्रयोजन नहीं था, तो इनको तो पता था कि मतलब इंद्र के द्वारा ये भेजी गई है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था उनके साथ। तो फिर उसको श्राप क्यों दिए उन्होंने? उनको तो पता था ये मतलब दूसरे के द्वारा भेजी गई है, उसका तो कोई गलती नहीं थी उसमें। हाँ, कर सकते थे, उसको माफ कर सकते थे और इंद्र को ही दंड दे सकते थे, हो सकता था, ये भी हो सकता था, और जो हो गया वो भी हो सकता है। क्रोध में कुछ भी हो सकता है, क्रोध में इतना होश नहीं रहता है ना कि क्या करना चाहिए, वो ही नहीं करता है ना आदमी। तो उनको क्रोध आ गया, तो इसलिए जो जो उस समय उनके दिमाग में आया वो कर दिया। इससे पहले जो मेनका आई थी उसको तो उन्होंने माफ किया था, क्योंकि उसमें वो खुद दोषी थी, 10 साल तक रहे उसके साथ, तो इसलिए उन्होंने माफ किया उसको,
भाई मेरी ही कामनाएं थी, क्योंकि जैसे वो आई थी तो उसको साथ रहने के लिए निमंत्रण भी इन्होंने खुद दिया था। उसने रहने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा था, इन्होंने कहा था आप हमारे आश्रम में रहो हमारे साथ, तो दोष इनका है ना, तो इसलिए उस समय ये उस पर क्रोधित नहीं हुए। प्रणाम दीदी जी। ऐसा क्यों होता है कि जब हम गलती करते हैं तो खुद को बहुत जल्दी से माफ कर देते हैं और दूसरा कोई गलती करे तो मतलब उसको सजा देनी देनी है? मैं क्या उत्तर दूं इसका? हमारे जीवन में होता है, मतलब जहाँ हमको पता है कि यहाँ मेरी गलती है वहाँ तो हम धीरे से निकल लेते हैं अपने को बचा के, लेकिन जहाँ आप मतलब कहना ये चाह रही हो कि जहाँ विश्वामित्र जी की गलती थी वहाँ तो शाप दिया नहीं, और जहाँ उनकी गलती नहीं थी वहाँ शाप दे दिया। ठीक है, वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे भी होता है, होता ही ऐसे तो। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत् वचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महर्षे स च निर्गतः कोपेन च महातेजस्तपोपहरणे कृते इन्द्रियैरजितैरामा न लेभे शान्तिमात्मनः बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्षे कथञ्चन अथवा नोच्छसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः तावद् यावद्भि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्छसन्नन भुञ्जानास्तिष्ठेयं शाश्वतिः समाः न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां समुनिपुङ्गवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दनः। तस्य महता शापेन रम्भा तदा शैली अभवत्। और वचः श्रुत्वा च, ये वचन सुन करके कंदर्प, वचः श्रुत्वा च महर्षे, महर्षि के ये वचन सुन करके स कंदर्प च निर्गत, कंदर्प वहाँ से निकल के चले गई। कोपेन च महातेजा तपो अपहरणी कृते इंद्रियै अजितै राम न लेभे शांतिम आत्मनः। इसलिए कहा हे राम, कोपेन च महातेजा, इस महातेजस्वी का क्रोध के कारण तप अपहरणे कृते, तप का अपहरण हो गया। इंद्र और वृत्र की बहुत सारी कहानियां ऋग्वेद में आती हैं, और इसमें आठवां है कि नौवां मंडल है, उसमें तो कई सारे सूक्त आए हैं इंद्र और वृत्र। तो वहां पर एक जो आख्यान है उसमें लंबी जीभ वाली कुतिया ऐसा वो बनाया है, तो वो हमारे महाप्रसाद को झूठा कर देती है। हम महाप्रसाद बनाते हैं देवताओं को भोजन कराने के लिए, और हम बना के इतनी मेहनत से उसको तैयार करके रखते हैं, और एक लंबी जीभ वाली कुतिया आती है और उसको झूठा कर जाती है, तो फिर वो सारा फेंकना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर रसोई बनानी पड़ती है। तो ये हमारी जो कामना है ये ही लंबी जीभ वाली कुतिया है। हम पुरुषार्थ करके 2 महीना 4 महीना 6 महीना साधना करते हैं, कुछ थोड़ा अर्जित करते हैं, और फिर कभी एक दिन कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि वो सारा का सारा हमारा नष्ट हो जाता है किसी भी दोष के कारण। तो ऐसे ही इनका हुआ, कितना ज़्यादा घनघोर इन्होंने तप किया, लेकिन कोपेन है, इस कोप नामक दोष के कारण, क्रोध के कारण महातेजा तप अपहरणी कृते, इस महातेजस्वी का तप अपहृत हो गया, तो सारा चला जाता है ना किया गया धरा। इंद्रियै अजितै राम लेभे, इन्होंने ये देखो पीछे जो एक श्लोक आया था, इन्होंने कहा था कि मैं उसको जीतना चाहता हूँ, कामनाओं को जीतना चाहता हूँ,
पीछे वाले सर्ग में आया था ना, स कृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतु कामा महायशा, 14 नंबर श्लोक आया था पिछले, उसमें कौशिकी तीरम आसाद्य तपस्ते पे दुरासदम, ऐसा दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे अपनी कामनाओं को जीत लेना है, ऐसे दृढ़ निश्चय करके बैठे थे कौशिकी नदी के पास, और इतना तप किया भी, और इनके तप को देख करके इंद्र आदि और लोक पितामह आदि जो हैं ब्रह्मा आदि वो सब प्रभावित हुए और इनको महर्षि की उपाधि भी दी निश्चय पूर्वक तप किया तो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रही हैं कि जब इन्होंने कहा था कि मैंने इतना तप किया और आप खुश हैं तो आप मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दें, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था 21 नंबर श्लोक में ब्रह्मा ने कहा था न तावत त्वम जितेंद्रिय, अभी आप जितेंद्रिय नहीं बने हो, इसलिए ब्रह्म ऋषि की उपाधि आपको नहीं दी जा सकती है, इसलिए यतस्व और थोड़ा यत्न करो, आप और थोड़ी तपस्या करो। तो यहाँ से फिर ये और ज्यादा घनघोर तप में लग गए थे। अब आ जाइए यहीं पर ही, तो ये इन्होंने भी अब ये ही महसूस किया, इंद्रियई अजितई, इंद्रियों के द्वारा मैं जीत लिया गया, माने मैंने इंद्रियों को अभी तक नहीं जीता, इंद्रियां जो है वो अभी तक मेरे द्वारा नहीं जीती गई, बल्कि इंद्रियों के द्वारा मैं जीत लिया गया। इंद्रियई अजितई राम न लेभे शांतिम आत्मन, आत्मन शांतिम न लेभे, मैंने आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं किया। अन्योन्य आश्रित हैं दोनों चीजें, जितना जितना अपने इंद्रियों के ऊपर व्यक्ति का अधिकार होगा उतनी उतनी उसको आत्मिक शांति प्राप्त होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा भी कंट्रोल है तो थोड़ी थोड़ी शांति से हमारा परिचय हो जाएगा, और यदि हमने पूरी इंद्रियों को जीत लिया तो पूरी शांति से हमारा परिचय हो जाएगा, और जितनी शांति बढ़ेगी उतनी हम इंद्रियों को जीत सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, जितना जितना व्यक्ति को अंदर से शांति की प्राप्ति होगी उतना उतना वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जितना जितना कंट्रोल करेगा उतनी उतनी उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी। इंद्रियई अजितई राम न लेभे शांतिम आत्मनः, आत्मनः शांतिम न लेभे, मैं आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसा इनको महसूस हुआ। बभूवस्य मनश्चिंता तपोपहरणी कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्षे कथञ्चन, अस्य मनश्चिंता बभूव, तपो अपहरणी कृते, तप का अपहरण हो जाने से इनके मन में चिंता हो गई, इन्होंने बड़ी चिंता की, चिंतन किया कि ये तो गड़बड़ हो गया। बभूव अस्य मनश्चिंता तपो अपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि, अब मैं आगे क्या करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार करके देखा जब जब भी क्रोध किया तब तब तपस्या चली गई, तो कई सारे उदाहरण आ गए ना, पहले वशिष्ठ के पुत्रों पे किया, फिर महोदय के ऊपर किया, फिर अपने पुत्रों पे किया, फिर मेनका पे भी थोड़ा किया, उसको ज़्यादा नहीं किया, फिर रंभा पे भी किया, तो ये लगातार मतलब ये क्रम चल रहा है अप डाउन वाला, तपस्या करते हैं फिर कोई आगे चौपट कर देता है, फिर तपस्या करते हैं फिर वो चली जाती है, फिर तपस्या करते हैं फिर चली जाती है। अब जिसके पास कपड़े हैं ही नहीं वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि नंगा क्या ओढ़ेगा और क्या बिछाएगा और क्या धुलेगा और क्या निचोड़ेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके जीवन में तो कोई अप डाउन भी क्या आएगा। अप डाउन किसके जीवन में आते हैं, जो चलता है यात्रा के लिए, जो पढ़ाई धरती के ऊपर है वो तो कहाँ, उससे नीचे कहाँ गिरेगा, फिर पहले ही धरती पे जो गिरा हुआ है तो वो वहाँ उससे नीचे कहाँ गिरेगा, उससे तो नीचे कुछ है ही नहीं, गिर कौन सकता है, जो दो कदम भी ऊपर चढ़ा है धरती से तो दो कदम गिर सकता है, 10 कदम ऊपर चढ़ा है तो 10 कदम से गिर सकता है, संभावना है ना, 20 फीट ऊपर चढ़ गया तो 20 फीट से गिर सकता है। तो अप डाउन आते ही उसके जीवन में है जो साधना करता है,
जिसने प्रारंभ ही नहीं किया उसके जीवन में कोई अप डाउन नहीं आता है। और फिर ये जो अप डाउन है ये फिर हमें बताते हैं कि अरे ये तो मैंने यात्रा शुरू की थी और ये तो फिर जो पीछे के संस्कार हैं इन्होंने तो फिर काम कर दिया। तो बोल ठीक है, फिर दोबारा लगते हैं, फिर दोबारा हो जाता है, फिर तिबारा करते हैं, फिर तिबारा हो जाता है। और उसमें जब ये व्यक्ति नीचे गिरता है तब नाम रखने वाले कौन होते हैं? जब किसी व्यक्ति से कोई त्रुटि होती है तो उसको नाम रखने वाले कौन होते हैं? जो खुद धरती पे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको और कोई काम तो है नहीं। इसलिए निंदा हमेशा वो लोग करते हैं जिन्होंने यात्रा प्रारंभ नहीं की है, ये पक्की पहचान है। जिसने यात्रा प्रारंभ कर दी उसको तो पता है ना। जिस व्यक्ति ने कभी खुद साइकिल चलाना सीखा और अब सीख गया वो, तो वो किसी नए साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को साइकिल से गिरता हुआ देख करके कभी उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? अरे भाई हम भी ऐसे ही सीखे थे, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। अगर उसको गिरा हुआ दिख भी गया ना साइकिल से, तो बोलेगा कि भाई हमने भी ऐसे चलानी सीखी थी, उठ जाओ तुम। और ये जो कभी जिसने हाथ में नहीं ली ना साइकिल, बोले आ तो गया लेकर के साइकिल, जब आती नहीं है चलानी तो जरूरी था हाथ में लेना, जरूरी था पायलट बनना। वो उसको चार बातें सुना के चला जाएगा, वो खुद को आती नहीं है। तो ये जो बार बार की हमारी असफलताएं हैं वो ही हमें सफलता की तरफ ले जाती हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो बार बार फेल होते हैं ना वो ही सफलता के स्तंभ बन पाते हैं। और बार बार तो असफल होना ही पड़ेगा, जब भी आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो बार बार असफलता आएगी ही, क्योंकि एकदम से मुकाबला हो रहा है ना पीछे के संस्कारों का और वर्तमान की साधना का, तो दोनों की टक्कर हो रही है तो होंगे ही वो। तो कभी तो साधना इस जन्म वाली ऊपर होगी तो आप दोषों को पराजित कर देंगे, कभी पीछे के दोष ज्यादा प्रबल हो गए तो वो इस जन्म की साधना को पराजित कर देंगे, तो ये तो होगा। तो इसलिए इन्होंने अपने मन में, इनको मनश्चिंता बभुआ, मन में बड़ा इनको ये चिंतन उत्पन्न हुआ, चिंता उत्पन्न हुई, चिंतन उत्पन्न हुआ तपो अपहरणे कृते, तपस्या का अपहरण हो जाने से। और अब की बार इन्होंने सोचा नैवम क्रोधम गमिष्यामि, क्रोध नहीं करूंगा अब, क्योंकि क्रोध से बड़ी हानि हुई है। ऐसे व्यक्ति को कोई ज्यादा चोट लगती है, जैसे चोरी करने से कोई बड़ा दंड मिल गया तो फिर बोले भाई और कुछ भी कर लूंगा, चोरी नहीं करूंगा। किसी व्यक्ति को आलस्य करने से कोरोना हो गया, व्यायाम प्राणायाम आदि करता नहीं था, तो बोले वो और कुछ काम करूं या ना करूं पर 1 घंटा योग जरूर करूंगा सुबह उठ के। किसी को कैंसर हो गया तो बड़ा दुख है ना ये, तो बोले भाई अब की बार तो बच गया कैंसर से, पर अब जीवन में कभी योग को छोड़ूंगा नहीं। तो जिससे व्यक्ति को ज्यादा कष्ट मिलता है उसके, वो दोबारा वो कष्ट ना आए उसके प्रति वो ज्यादा सजग रहता है। तो किसी को काम से, किसी को क्रोध से, किसी को लोभ से, किसी को मोह से, किसी व्यक्ति को किसी से बहुत ज्यादा मोह था और फिर उनका झगड़ा हो गया और उनकी शादी टूट गई, अब वो दोबारा शादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि बोले एक बार मोह से बड़ा कष्ट मिला। उसको कोई वो कहे कि भाई आपकी तो बहुत अच्छी नौकरी है, अभी तो बहुत सारे आपके रिश्ते हो सकते हैं, तो दूसरी शादी कर लो, जो शादी नहीं करूँगा और कुछ भी करो। तो जिस व्यक्ति को जहाँ से ज़्यादा कष्ट मिला है वो उसके प्रति सजग रहता है। तो इसलिए इन्होंने यही प्रतिज्ञा की, नैवम क्रोधम गमिष्यामि, क्रोध नहीं करूंगा, नैच वक्षे कथंचन, मतलब जब जब ऐसी परिस्थिति आएगी ना क्रोध वाली, कथंचन न वक्षे, किसी तरह भी मुंह खोलूंगा ही नहीं, चाहे मेरे को जाड़ दबानी पड़े, दांत दबाने पड़े, मुंह में कोई रुमाल लेके दबाना पड़े, मुंह नहीं खोलूंगा। अलग अलग
तरीके हैं साधना करने के, तो बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ नहीं होगी ना, ये भी एक तरीका है। एक चुप सो सुख, सुनी है ना कहावत आपने, एक चुप रहने से 100 सुख होते हैं। चुप रह जाओ जब ऐसी परिस्थिति आई तो, और चुप रहने वाला झगड़े को भी समाप्त कर देता है और अपने आप को भी बचा लेता है। जब कोई दूसरा बहुत ज्यादा हमारे को आया है पूरा भर करके, फिर अपना बैक गियर लगा लो, एक चुप सो सुख। तो इन्होंने ये कहा कथंचन न वक्षे, अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, क्योंकि और तो कोई मेरे अंदर वीकनेस है नहीं, इनके अंदर और तो कोई है नहीं कमजोरी, एक ही कमजोरी है कि जब कुछ प्रतिकूलता आती है तो इनको अत्यंत क्रोध आता है और उसमें शाप दे देते हैं, और उसमें फिर वो शाप के साथ ही वो शक्ति चली जाती है, क्योंकि एक एनर्जी तो है ना शाप भी, तो वरदान देने से बढ़ जाती है, शाप देने से घट जाती है। अथवा नो उच्छ्वसिष्यामि, और इससे भी आगे मैं क्या करूंगा, सांस भी रोक दूंगा। तो सांस भी रोक दी तो अब गुस्सा करेगा कौन, क्योंकि प्राणी तो गुस्सा करता है ना, गुस्से में तो प्राण लगाना पड़ता है, सांस फूल जाती है, अतिरिक्त प्राण लगाना पड़ता है गुस्से में भी। तो इसलिए कहा अथवा न उच्छ्वसिष्यामि, श्वास को भी रोक दूंगा, संवत्सर शतान्यपि, इसको रोकने के लिए सैकड़ों वर्ष भी लगे तो भी उसको रोक के रखूंगा। तो संकल्पवान पूरे ऊर्जावान पराक्रमी बहुत ज्यादा है, तो इसको हम देखते नहीं है, केवल क्रोध को तो देखते हैं, हमारी भी तो दृष्टि का परिचय मिल रहा है ना इससे, इनको क्यों नहीं देखते हैं हम। देखो कितनी कठोर कठोर ये प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं इसके लिए यदि सांस लेना भी, सांस भी बंद करना पड़ा तो मैं करूंगा, मेरे को एक पैर पे भी खड़ा रहना आवश्यकता है तो खड़ा रहूंगा, सर्दी में पानी में ही रहना खड़ा होने की जरूरत है तो खड़ा रहूंगा सर्दी में, बारिश में आसमान के नीचे रहना है तो वहीं रहूंगा, लेकिन करूंगा करूंगा या मरूंगा। तो ये तो एक अच्छा गुण है ना, अपने लक्ष्य के प्रति इतनी ज्यादा कटिबद्धता, नहीं तो आदमी शिथिल होकर रुक जाए, भी अपने बस का नहीं है ये, छोड़ो। तो आप में से कितने लोगों ने हथियार डाल दिए, अपने से शास्त्र स्मरण नहीं होगा, छोड़ो उसको, तो ऐसे ये भी तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पकड़ के रखा उसको, तो ये अच्छा गुण है इनका। इन्होंने कहा कि मैं सांस भी नहीं लूंगा सैकड़ों वर्षों तक, अथवा न उच्छ्वसिष्यामि संवत्सर शतान्यपि, अहम ही शोषयिष्यामि, अपने आप को ही सुखा डालूंगा अब, दूसरे को नहीं। तपस्या करते हुए आत्मानं विजितेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय करने के लिए आत्मानं शोषयिष्यामि, अपने आप को ही सुखा दूंगा, क्योंकि यदि मैं अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं कर पाया तो फिर ऐसे जीवन से भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे जीवन से और अपराध ही बढ़ेंगे, तो इससे अच्छा तो मैं सांस भी रोकनी है तो रोक दूंगा, अपने आप को सुखाना है तो सुखा डालूंगा, लेकिन न वक्षे कथंचन, तावत यावद ही मैं प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसा अर्जितम। तो कह रहे हैं जब तक, कब तक करूंगा ये, तावत यावद ही में ब्राह्मण्यम प्राप्तम तपसा अर्जितम, तपसा अर्जितम ब्राह्मण्यम प्राप्तम, जब तक अपने तप से अपने पुरुषार्थ से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लूंगा, श्वास भी रोक दूंगा, खाना भी छोड़ दूंगा, अपने आप को सुखा डालूंगा। तो यद्यपि ये हैं तो सारी अहंकार की भाषा, लेकिन आदमी करे तो सही कुछ, पहले अहंकार के वश होकर के ही अच्छे काम कर ले, तो फिर वो अच्छे कामों का जो पुण्य प्रताप है उससे फिर अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, और सब जगह अहंकार को देख के करे ही नहीं कुछ भी, ये तो तमस प्रधान स्थिति है, तमस से रजोगुण में तो गया कर्म करने वाला व्यक्ति, तो रजोगुण से वो कभी सत्वगुण में भी प्रविष्ट हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो तो वहीं रहेगा, फिर वो कहीं नहीं प्रविष्ट होगा। तो
अब की बार इन्होंने कहा कि जब तक मेरे को ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होगा अपने तप से अर्जित करके, तब तक अनुच्छ्वसन, श्वास रोकते हुए, अनभुंजान और कुछ भी न खाते हुए, तिष्ठेयम शाश्वती समाहा, तब तक मैं शाश्वत समा अनंत काल तक या शाश्वत काल तक, माने तब तक जब तक नहीं मिलेगा तब तक ना सांस लूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा। तो अब ये आर पार की लड़ाई है। और वैसे जब ये इस तरह का जिस दिन संकल्प होता है ना, तब ही फिर रूपांतरण शुरू होता है, अंतिम रूपांतरण, आमूल चूल रूपांतरण। थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा करने से भी होता है, ऐसा नहीं है, एक एक क्रिया भी व्यर्थ तो जाती नहीं है, लेकिन जो आमूल चूल है वो फिर 100 डिग्री पे ही होता है। महात्मा बुद्ध 6 साल तक ऐसे करते रहे, अनेक प्रकार की साधनाएं, कभी खाना छोड़ा, कभी पानी भी छोड़ा, कभी जाप करते रहे, ध्यान करते रहे, जो भी करते रहे, 6 साल तक लगे रहे। फिर एक दिन बैठ गए वट वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं ना गया में, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले आज तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा। उसी दिन हो गया। फिर तो ऐसे इन्होंने कहा कि अब जब तक ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं ऐसा घनघोर तप करूंगा। नहि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां च मुनिपुंगवः। तो अब की बार दीक्षा क्या ली, दीक्षा का मतलब प्रारंभ करना। नहि तप्यमानस्य यास्यन्ति क्षयं मूर्तयः, जब तक इस मूर्ति का, मूर्ति मतलब शरीर या शरीर के अंग, मूर्तयः बहुवचन है, जब तक ये शरीर के जो अंग हैं ये क्षय ना हो जाएं, भाई शरीर ही नष्ट हो जाएगा तब तो मैं क्या तपस्या करूंगा, तब तो मेरा कोई वश नहीं है, पर जब तक ये अंग रहेंगे तब तक ऐसी घनघोर तपस्या करूंगा। नहीं मे तप्यमानस्य, मेरे तप करते हुए जब तक मूर्तयः क्षयं नहीं यास्यन्ति, ये मेरे अंग प्रत्यंग जब तक नाश को प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक, एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां स मुनि पुंगवः, तब तक मैं ऐसे ही साधना करता रहूंगा। ऐसे उन्होंने दीक्षा ली। चकारा प्रतिमाम लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन, और इस प्रकार से अप्रतिमाम लोके प्रतिज्ञां चकार, ये कैसी प्रतिज्ञा है, अप्रतिम, इसके समान कोई प्रतिज्ञा नहीं हो सकती है, माने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है ये। तो यहाँ ये एक दिन ये ब्रह्मचारी पूछ रहा था ना जी, इन्होंने अब दीक्षा ली, तो दीक्षा यहाँ किसी दूसरे से नहीं ली इन्होंने, किसी गुरु से नहीं ली। दीक्षा का मतलब होता है जो सत्य संकल्प हैं उनको 100% हम जीने लग गए, उसका नाम दीक्षा है। उसका नाम दीक्षा नहीं है कि किसी से हमने हवन करवा करके कपड़े पहन लिए, किसी से माला पहन ली, किसी से तिलक लगवा लिया, किसी से डोरा बंधवा लिया, बोले जी हमने तो दीक्षा ले ली उस गुरु से। किसी से भी ले लो, जब तक आप वाली दीक्षा शुरू नहीं होगी तब तक सारी दीक्षाएं फेल हैं। किसी से भी ले लो, और जिससे आप सब से ले लो, एक गुरु से नहीं, धरती के जितने गुरु हैं सबको इकट्ठा करो, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 गुरु जितने भी हैं, और सबसे ले लो, तब भी नहीं मिलेगा सत्य, क्योंकि वो दूसरे के दिलाने की नहीं है ना चीज। तो ये दीक्षा तो खुद से खुद की लेनी होती है, तो इन्होंने खुद से खुद की ली, अपने जीवन में अनुभव किया कि भाई मेरी शक्ति का ह्रास किस किस कारण से होता है, तो ऐसे व्यक्ति को खुद ही देखना होता है। तपस्या तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन वो कहाँ चली जाती है, तो खुद इसको अनुभव में आया तो बोले अब इसको नहीं करना, ये दीक्षा ली। किसी की ऊर्जा आलस्य प्रमाद में चली जाती है, बह जाती है, किसी की ऊर्जा चुगली चाटे करने में चली जाती है, नष्ट हो जाती है। अब जो आदमी कुछ काम ही नहीं करता है, ना पढ़ाई करना, ना सेवा करना, घर में कुछ महिलाएं होती हैं, घर का काम भी नहीं करना, व्यायाम प्राणायाम भी नहीं करना, बस बैठ करके सीरियल देखते रहना, तो फिर तो रोग तो आएंगे, बीमारियां तो आएंगी। फिर
डिप्रेशन भी आएगा, शारीरिक रोग भी आएंगे।